भक्ति गीतों की धुन और ढोल की थाप पर थिरकते भक्त और वाहनों में सवार मां अंबे की प्रतिमाएं और आकर्षक झांकियों की श्रृंखला का मनमोहक नजारा गोरखपुर दशहरा चल समारोह में दिखाई दिया। पिछले 24 वर्षों से निकाले जा रहे चल समारोह में लगभग 20 दुर्गा प्रतिमाएं शामिल रहीं। गोरखपुर क्षेत्र का दशहरा चल समारोह हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। पिछले 24 वर्षों से निकाले जा रहे चल समारोह का स्वरूप दिनों दिन भव्य होता जा रहा है। मनमोहक दुर्गा प्रतिमाएं और झांकियों की विशाल श्रृंखला और शानदार आतिशबाजी लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है। इस वर्ष चल समारोह में लगभग 20 प्रतिमाएं शामिल की गईं। भक्ति गीतों की धुन और ढोल की थाप पर थिरकते भक्त माता की भक्ति में लीन नजर आए। गाजे बाजे के साथ निकाले गए चल समारोह को देखने के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बतौर अतिथि शामिल हुए कांग्रेस विधायक तरुण भानोट, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, भाजपा पार्षद कमलेश अग्रवाल, भाजपा नेता अभिलाष पांडे एवं हाउबाग व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने इस आयोजन की भरपूर सराहना की। और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की जनता में जो जो मन में है वो आपका आशीर्वाद हो। गोरखपुर व्यापारी संघ हाउबाग व्यापारी संघ को अपनी ओर से पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्म प्रेमी लोग चल समारोह में शामिल हुए हैं। कोरोना के बाद अति उत्साह देखने को मिल रहा है। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, ये विजयदशमी का त्यौहार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। पूरे उत्साह के साथ दशहरा मनाया जाता है। आज इसी के निमित्त हम सब लोग गोरखपुर में चल समारोह में शामिल हुए हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत कम से कम 17-18 मूर्तियाँ माता की निकल रही हैं। आज हम लोग का जय माँ दुर्गा उत्सव समिति साई मोहल्ले का पहला नंबर है। हम लोग माता की झांकी यहाँ मूर्ति निकाल रहे हैं माता की धूमधाम से, और हम लोग चाहते हैं कि सब जगह खुशी और समृद्धि बनी रहे। कि ये जो त्यौहार है हमारा, इसको सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। दूसरी चीज़ एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि लोगों को, ये जो आसपास कचरा फेंक देते हैं लोग जुलूस में चलते चलते, उसको कचरा को ना फेंकें, शांति व्यवहार बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार असत्य पे सत्य की जीत का त्यौहार होता है, और आज के दिन जब हम रावण का दहन करते हैं तो निश्चित रूप से गंदगी को दूर करते हैं। और यदि रावण का दहन होता है तो हम ये चाहते हैं कि कोई नया अच्छा, मतलब हमारे शहर में कोई अच्छी चीज़ हो जिसके कारण हम सभी लोग उसका उपकार माने। शहर की जनता का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, जिनके सहयोग से, जिनकी हमारे प्रति एक विश्वास से, जिनके उत्साह से हम इतना अच्छा आयोजन कर पाए। कितनी प्रतिमाएं शामिल हैं इसमें? करीब करीब जो है 20 से 22 प्रतिमाएं जो है शामिल होंगी। चल समारोह का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया।